डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती में आई युवती को नौकरी का झांसा देकर दिल्ली से बुलाकर मेरठ के एक नर्सिंग होम में सामूहिक रेप करने का मामला सामने आया है। 3 दिन तक युवती को जबरन बंधक बनाकर रखा गया और इस दौरान उसके साथ रेप किया गया। पुलिस ऑफिस में दिए गए शिकायती पत्र में युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपियों में शामिल मयंक त्यागी खुद को भाजपा गौ सेवा महासंघ का अध्यक्ष बताता है। आरोप यह भी है कि इन युवकों ने उसकी वीडियो भी बनाई है, जिसका डर दिखाकर पुलिस में नहीं जाने की हिदायत दी गई है। युवती द्वारा शिकायती पत्र के साथ दी गई CCTV फुटेज में उसे जबरन ले जाने का प्रयास करते हुए एक युवक भी नजर आ रहा है। इस वीडियो में NICU और OT कॉम्प्लेक्स भी लिखा दिख रहा है। युवती के मुताबिक इसी नर्सिंग होम में उसे जबरन ले जाया गया है। युवती ने पुलिस कप्तान से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस युवती ने अपना हाल पता जागृति विहार बताया है। उधर MS ग्लोबल के संचालक मोहित शर्मा का कहना है कि यह अमित मिरंडा गैंग का कारनामा है। लड़कियों के सहारे वह पैसे की मांग करता है। एक सप्ताह पूर्व ही उसने 5 लाख रुपए की मांग उनके सामने रखी थी। मांग पूरी न होने पर इस तरह के षड्यंत्र वह पहले भी रचता रहता है और अब भी उसने ऐसा किया है। पुलिस में पहले भी इस आशय की शिकायतें दर्ज हैं। पहले देखिए पुलिस ऑफिस पहुंची युवती ने फर्स्ट TV से क्या कहा। आज आप यहाँ हैं किस लिए हैं, क्या है मामला, ये बताइए। मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ, मुझे जॉब पे झांसा देके बुलाया गया था कि आपको जॉब दिलाया जाएगा होटल में रिसेप्शन के उसमें, ठीक है। तो पहले बोला मैंने ओके कर दिया, ओके ठीक है। उसके बाद मैं मतलब उन लोग ने वहाँ पे पीपा के 3 दोस्त थे इन लोग का, मोहित शर्मा, 2 का तो उतना नाम मैं जानती भी नहीं थी क्योंकि मैं मोहित शर्मा को ही जानती हूँ। तो जॉब के झांसा देके इन्होंने बोला कि आ जाओ। तो मैं पहुंची तो वहाँ पे खींचातानी, मतलब तीनों मिलके खींचातानी करने लगे, ये सब मतलब इधर से उधर करने लग गए। तो मैं वहाँ से निकल के भागने की कोशिश कर रही थी तो सीढ़ी में पैर वेर खींच रहे थे, वो कैप्चर हो गए। कैसे मुलाकात हुई थी आपसे, कौन सा हॉस्पिटल है वो, कैसे मिले थे आप उस लड़के से? मिले ऐसे नहीं थे, हम लोग ऑनलाइन फ्रेंड बन गए थे। तो कौन से हॉस्पिटल में जॉब के लिए बुलाया था आपको? हॉस्पिटल नहीं बोल रही हूँ, रिसेप्शन में बोल रही थी। वहाँ पे बुलाया था जॉब के लिए, क्या बताया था उन्होंने? आप कप्तान से मिली, आज कप्तान साहब ने दर्शन दिया, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब देखिए CCTV की वह फुटेज जिसमें एक युवक एक युवती को नर्सिंग होम में जबरन ले जाने का प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बारे में जब FirstBite.TV ने मोहित शर्मा से बात की तो उन्होंने यह कहा। हेलो जी, मोहित शर्मा जी। जी बोलिए। रवि शर्मा बोल रहा हूँ भैया, FirstBite न्यूज चैनल से। देखिए शिकायती पत्र दिया गया है, उसमें आपके नाम का भी उल्लेख किया गया है। उसने आज एक प्रार्थना पत्र दिया है पुलिस कप्तान को, वो व्हाट्सएप कर सकते हो आप? हाँ कर सकते हैं। ये नर्सिंग होम कहाँ पर है आपका जी, बात बताइए आप। नहीं, उसमें आरोप लगाया गया कि उसको जबरन उठा करके ले गया और उसके साथ रेप किया गया। तो भैया अमित मिरंडा को जानते हो आप? किसको? अमित मिरंडा को। हाँ। जिसका चल रहा है यह प्रकरण। अमित मिरंडा का क्या मामला है? ये सब काम अमित मिरंडा ही करवा रहा है भैया, पैसे मांग रहा था अभी 8-10 दिन पहले, इसका काम ही है। अच्छा जी भैया, ये नर्सिंग होम कहाँ पर है आपका? भैया ये सब चीज तेजगढ़ी के पास ही है, ये सब चीजें अमित मिरंडा गैंग करा रहा है।
इन्हें पैसे ऐसे मांगने के लिए, मुझसे पहले भी फोन आया था, पैसे मांगे थे बीच में 5 लाख रुपए, इनका काम ही ये है भैया। और ये, इस चीज के बारे में आप पता कर लेना एक बार, मुझे ये एप्लीकेशन और भेज देना एसएसपी जी के यहाँ, मुझे आए हैं। आप होकर के आए हो जी, तो आपने जो एप्लीकेशन दी है उसकी कॉपी मुझे भेज दीजिए, ये मैं आपको भेज देता हूँ। ये भेज दीजिए इसी नंबर पर, मैं आपको भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस बीच इस सारे घटनाक्रम में एक नया मोड़ उस वक्त आ गया जब थोड़ी देर बाद ही इंद्रापुरम मुबारकपुर थाना भावनपुर की एक युवती ने पुलिस ऑफिस पहुंचकर यह आरोप लगाते हुए सनसनी मचा दी कि अमित मिरंडा ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के सामने स्थित अपने तेजस होटल में उससे रेप किया और वीडियो बना ली। वीडियो डिलीट करने की एवज में उसने 1.5 लाख रुपए मांगे थे। बकौल इस युवती, मिरंडा हिस्ट्री शीटर है और उस पर 15 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस युवती ने फर्स्ट बाइट डॉट टीवी को यह जानकारी दी। सर, मुझे अमित मिरंडा ने मेरे साथ गैंग रेप किया अपने होटल में बुलाने के बाद 20 मई को, और वहाँ पे उसने कुछ नशीले पदार्थ में कोल्ड ड्रिंक में मिला के नशीला पदार्थ दिया था, जिसके बाद उसने और उसके दोस्तों ने मेरे साथ बेडरूम में ले जाकर रेप किया, और उसके बाद मेरी अश्लील वीडियो बनाई जिसके माध्यम से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है कि अगर मैं केस करूँगी तो मुझे जान से मार देगा या मरवा देगा। किस तरह से आपको बुलाया गया? जॉब करने के बहाने उसने बुलाया था रिसेप्शन की नौकरी के लिए, कि रिसेप्शन पर बैठ के जॉब करनी, एंट्री वगैरह करनी थी। तेजस होटल यूनिवर्सिटी के सामने। क्या घटना जी? क्या घटना हुई? उसने वहाँ पर बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर मुझे कोई नशीली चीज़ दी, जिसके बाद उन्होंने मेरे साथ रेप किया और मेरी वीडियो बनाई। पुलिस को सूचना दी थी, जो वहाँ के जो दरोगा है भवनपुर थाने से, वो उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई। हाँ जी, एसएसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि इस चीज़ के बारे में जल्द से जल्द वो कार्रवाई करेंगे और मुझे आश्वासन दिलाएंगे। कितने जने थे वो? 4-5 जने थे वो। क्या क्या नाम है उनके? नाम मुझे नहीं पता। तो आपका बलात्कार कितने जनों ने किया? मैं नशे में थी, लेकिन अमित मिरंडा की जो वीडियो है उसने मुझे वो दिखाई। तो वीडियो कहाँ? अमित मिरंडा के पास है। आपने देखी है वो? हाँ जी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।